मैं मोहम्मद फहीम इलाफ मीडिया में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इलाफ न्यूज। बिदर किले में दो दिन से फिल्म की शूटिंग के लिए सेटअप किया जा रहा था। फिल्म की शूटिंग किले की 16 सुतून मस्जिद के अंदर सेटअप किया जा रहा था। जैसे ही मालूम हुआ कि फिल्म की शूटिंग मस्जिद के अंदर होने वाली है तो कल रात शहर के नौजवान किले के अंदर पहुँच गए और कांग्रेस पार्टी के माइनॉरिटी चेयरमैन अजहर रेहान ने पुलिस को बुलवा कर शूटिंग को मस्जिद के अंदर नहीं करने की मांग की और पुलिस को लेकर शूटिंग को रुकवा दिया गया। अजहर रेहान ने कहा, मस्जिद जैसी पाक जगह में नाच गाने की शूटिंग करने की कोशिश नहीं की बल्कि मुसलमानों के दिल को तकलीफ पहुंचाया है। आज सुबह बिदर के कई दानिश्वर लोग और उलमाए कराम ने भी इस घटना को लेकर नाराजगी जाहिर की और आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को भी इसका जिम्मेदार बताया। पुलिस ने शूटिंग को रुकवा कर अमन और शांति बनाए रखी। उलमाए कराम ने पुलिस का और नौजवानों का शुक्रिया अदा किया। आर्कियोलॉजी ऑफिसर और फिल्म प्रोडक्शन के ऊपर केस दर्ज किया गया। सौ बार बोल रहा हूँ सर, रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करके तुम अंदर जाके तौहीन कर रहे हमारा। अच्छा, ये तुम्हारा फिल्म तो चला नहीं चला लेकिन तुम लोग तो नहीं चलते, ये हमारा गारंटी है। चलो जी, हम निकलते हैं। लिख लीजिए आप क्या लिखने लिखना। तो देखो जी, ये घंटे में काले होना है इसको। तुम क्या कर देंगे नहीं मालूम, ये इमीडिएट और अंदर ये चीजों को लेने का। और तुम्हारे को जो ऑफिसर बोला ना सर, हम निकलते चलो। सर अगर हम गलत है ना, आप लाइट लीजिए भाई, हमारे को गलत है। हम हक की आवाज के लिए बात कर रहे हैं सर, नहीं करते ऑफिस भाई। हमको अभी खाली होना, वो सुबह का सेशन नहीं होना। हम आप बैठो बोलते, बाहर जाके बैठते निकालना सर। वो घंटे के अंदर निकाल देते आइंदा सर, इसी चीजों में हाथ मत डालिए आप, अच्छा नहीं रहता सर। रिलीजियस सेंटीमेंट को हर्ट करते हैं तुम लोग, फिल्म बना के मजाक बना के डीसी साहब बोले ना, बोले डीसी साहब बोले, लेकिन इमीडिएट तुम करो एक्शन। क्या करें जी, हम लोग रेस्पेक्ट सर, मैं आपको रेस्पेक्ट करता हूँ लेकिन बोल क्या है ना, हमको देखने के और आपको जो परमिशन ली तो कल हम उनको बोलते हैं, हम कल परमिशन ऑफिस जाके डीसी साहब के पास, कैसा तुम्हारे परमिशन मिला था। काम बने कैसे निकालो निकालो उनको, ऑफिसर अंदर आने कैसे दिया उनको, पहले उसकी गलती करते उसको अपने। चलो भाई चलो, हम सर है तो उनको उनकी जरूरत ही नहीं थी अंदर आने की सर, सब मालूम था। यहाँ कर लेते अंदर बाउंड्री वाल के अंदर कर लेते, कहीं भी कर लेते। मस्जिद ही मिली थी क्या उनको शूटिंग करने। हम तमाम मुसलमाना ने बीदर के लिए अजियत और तकलीफ का मामला है, लेकिन हम पुलिस का भी दिल के गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और उसी के साथ साथ इनके इस बरवक्त खिदमत का हम तहदिल से एहसान मानते हुए यहाँ जो शरारत की गई थी और जो ज़ियादती की गई थी और नंगे मूर्तियों को मस्जिद में रख कर मस्जिद की बेहुरमती करते हुए यहाँ ये जो कैफियत हुई है, पुलिस ने बाकायदा उसका सफाया किया है और उसको वहाँ से हटाया है और उसी के साथ साथ यहाँ की शरारत को ख़त्म किया है। हम पुलिस का भी शुक्रिया अदा करते हुए और तमाम मुसलमानों ने बीदर से यहाँ की तमाम इत्मीनानी कैफियत को तमाम जिम्मेदारान शहर का मुआयने के बाद इस बात की गवाही दी जा रही है कि अब यहाँ पर कोई चीज़ हमारे तकलीफ की मौजूद नहीं है और ना ही कोई ज़ियादती की बात यहाँ मौजूद है, बल्कि पुलिस हमारे साथ बाकायदा इंतज़ाम के साथ शरई चीज़ों को और मूर्तियों को यहाँ से बाकायदा हटा कर शूटिंग करने वालों को यहाँ से बाहर कर दिया है और जिम्मेदारों के खिलाफ एफ आर भी हुआ है और तमाम शहरियान ईदगाह कमेटी के जिम्मेदार और मुख्तलिफ तंजीमों के जिम्मेदार और इसी तरह से मुबशिर साहब सिंधे, अहमद सेठ साहब और आमिर साहब, आमिर अब्दुल अजहर रेहान और अजहर रेहान और इसी तरह से मुख्तलिफ जमात के जमात इस्लामी और जमीयत उलमाए हिंद, इमाम काउंसिल और इसी तरह से सफा बैतुल माल और मुअज्जज उलमा और दानिशवरान कौम के दरमियान बाकायदा मस्जिद का मुशाहिदा किया गया, मस्जिद का जायज़ा लिया गया और हर तरह से तहकीक करने के बाद अब शहरियान बीदर को ये बात की आवाज़ दी जाती है कि अमन व सलामती के साथ ज़िंदगी गुजारे और सुकून चैन के साथ भाईचारगी के साथ जीने और जागने को अपनी ज़िंदगी का बसेरा बनाए और हम उम्मीद करते हैं
कि ये जो शरारत हुई है, ये शरारत, लापरवाही या बगैर किसी इसके इजाजत के ये जो काम अमल में आया है, हुकूमत इसकी बाकायदा निगरानी करे और ये जिम्मेदारी का पूरा पासो लिहाज करे और पुलिस टाउन में बाकायदा लेटर के जरिए से जहां ये प्रोग्राम हो रहा है या प्रोग्राम को अपनाया जा रहा है उसका बाकायदा इलाके के एतबार से इजाजत नामा जरूरी है और आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के जिम्मेदारों से हमारी दिल के गहराइयों से दरख्वास्त है कि ये शरारत आइंदा कभी ना हो और ये ज़ियादती आइंदा कभी ना हो जो मुसलमानों को ठेस पहुंचाए और इबादतगाह की बेहरमती हो